दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है, आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक विध कदम उठा रही है। साथियों, बड़े रिफॉर्म्स के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों, देश में नई व्यवस्थाएं बन रही है, देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वित्त नीतियों को, अनेक वित्त पॉलिसीज को निरंतर बनाया जाए और नए सिस्टम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है, 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है, धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है, मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता, मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है, वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे।